हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शुगर के एयर किस पाउडर लिपस्टिक्स के बारे में। अभी रिसेंटली शुगर ने उनको लॉन्च किया है एंड आई वाज सुपर एक्साइटेड टू ट्राई द लिपस्टिक जो एक पाउडर फॉर्म में है एंड वो मेल्ट होकर आपके लिप्स पे एकदम लिपस्टिक की तरह हो जाती है। सो इन दिस वीडियो मैं बताने वाली हूँ मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा है, अलॉन्ग विद दैट इट इज़ वर्थ बाइंग और नॉट। सो विदाउट मोर ब्लैबरिंग लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पाउडर लिपस्टिक की जो पैकेजिंग है वो एकदम सिमिलर है उनके शुगर की लिक्विड लिपस्टिक की तरह। इनर पैकेजिंग भी और बिल्कुल सिमिलर है एंड ऐसे ट्रांसपेरेंट सी बॉटल आती है एंड उसके ऊपर ऐसे ब्लैक कलर का कैप आता है। दिस रिटेल्स फॉर ₹499 सेम एज लिक्विड लिपस्टिक। दोनों के प्राइस एकदम सिमिलर हैं। अभी इसके अंदर 5 डिफरेंट कलर्स अवेलेबल है फॉर एवरी स्किन टाइप। मैंने जो कलर ऑर्डर किया है दैट इज 03 कैरेमल। ये जो लिपस्टिक्स हैं ये पाउडर फॉर्म में आती है। जैसे ही आपके लिप्स को होती हैं वो जो उसका पाउडर है वो मेल्ट होता जाता है एंड जैसे जैसे आप उसको मूव करते जाओगे वो पूरा इवनली आपके स्किन में स्प्रेड हो जाती है बहुत ही अच्छे से। अगर मैं इसके फॉर्मूला की बात करूँ तो फॉर्मूला बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। आपको आपके लिप्स पे बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपने एक लिपस्टिक लगाई हुई है और वो भी मैट। जैसे ही आपके लिप्स पे आपने इसको लगा दिया, लेट इट ड्राई फॉर 30 सेकेंड, उसके बाद वो आपके लिप्स पे एकदम अच्छे से सेट हो जाती है एंड आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपने लिपस्टिक लगाई है। तो फॉर्मूला इज सुपर सुपर लाइट वेट, मैं बोलूँगी मतलब मुझे फील ही नहीं हो रहा है कि मैंने कोई लिपस्टिक लगाई है अपने लिप्स पे। सो ये जो पाउडर लिपस्टिक है ये आपके लिप्स को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करेगी, सो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। डिस्पाइट इट इज़ अ मैट लिपस्टिक आपके लिप्स बिल्कुल भी आपको ड्राई फील नहीं होंगे। दिस इज़ द शेड नंबर 03 विच करेंटली आई एम वेयरिंग। इसका जो एप्लीकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। ऐसा नहीं है कि पाउडर फॉर्म है तो आपके लिप्स पे या आजू बाजू के एरिया में मैस होता है। जैसे ही वो आपके लिप को टच होता है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है एंड आपको बिल्कुल पाउडरी फील भी नहीं होगा, विच इज़ समथिंग आई विच आई रियली लाइक एंड मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आई वॉज लिटिल बिट स्केप्टिकल कि पाउडर फॉर्म है तो आजू बाजू में पार्टिकल गिर ना जाए या मेरे फेस को थोड़ा सा मैसी ना कर दे, बट ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। बिल्कुल नीट एंड क्लीन मेरे लिप्स पे रहा है। नाउ द ओनली ड्रॉबैक विच आई फील इज़ कि जैसे ही ये पानी के इंटरैक्ट में आता है, अगर आप पानी पीते हो कॉफ़ी पीते हो, वो फेड होना स्टार्ट हो जाता है, वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाता है एंड आई डोंट थिंक कि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। जब तक आप पानी नहीं पियोगे, जब तक आप आपके लिप्स पे कुछ भी लिक्विड नहीं लाओगे, तब तक ये बहुत अच्छे से रहेंगी, ये फेड आउट भी नहीं होंगी। जैसे ही आपके लिप्स वेट हुए या आपके लिप्स पे कोई भी तरीके का आपने वाटर यूज़ किया तो वो जो लिपस्टिक है वो एकदम से फेड आउट होना स्टार्ट हो जाती है एंड वो इतनी ज़्यादा फेड आउट हो जाती है कि वो सिर्फ आपके लिप्स पे एक हल्का सा टिंट ही रहता है जैसे जैसे आप कुछ भी कंज्यूम करोगे। सो आई थिंक दिस आर ट्रांसफर प्रूफ बट ये वाटर प्रूफ बिल्कुल भी नहीं है। वाटर के इंटरेक्शन से ये बहुत ही जल्दी फेड आउट होना स्टार्ट हो जाती है एंड आई पर्सनली फील शुगर की जो लिपस्टिक्स इतनी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, कंपैरेटिवली दिस लिपस्टिक इज़ नॉट दैट लॉन्ग लास्टिंग। सो मैं आपको एक ब्रीफ दे देती हूँ इस लिपस्टिक के बारे में। इसका जो पाउडर फॉर्मूला है वो बहुत ही जल्दी आपके लिप्स पे स्प्रेड हो जाता है, बिल्कुल भी मैस क्रिएट नहीं करता एंड बहुत ही जल्दी सेटल डाउन हो जाता है। दिस लिपस्टिक इज़ सुपर सुपर लाइट वेट, आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आपने आपके लिप्स पे एक लिपस्टिक लगाई है एंड ये आपके लिप्स को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करेगा। नाउ कमिंग टू द कॉन साइड, जो मुझे लगा है ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ये वाटर से बहुत जल्दी फेड आउट होना स्टार्ट हो जाता है एंड सेकेंड थिंग आई फील कि उन्होंने सिर्फ 5 कलर निकाले हैं। सो आई पर्सनली फील कि उनको और ज़्यादा कलर रेंज निकालनी चाहिए थी। सो आई थिंक दिस आर द ओनली 2 ड्रॉबैक। अगर हम बात करें इट इज़ वर्थ बाइंग और नॉट, तो इट इज़ क्वाइट सब्जेक्टिव। इफ़ यू आर समवन जो क्रीम बेस्ड लिपस्टिक्स यूज़ करते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी लिपस्टिक होगी। बेस्ड जो लिपस्टिक्स होती है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती हैं बट वो ट्रांसफ़र होती रहती हैं। तो अगर आप उसके बदले इसको रिप्लेस करते हो तो ये ट्रांसफ़र नहीं होगी एंड आपके फेस पे एक बहुत ही अच्छी सी फिनिश भी देगी। इफ़ यू आर समवन जो मैट लिपस्टिक यूज़ करता है एंड हु एक्सपेक्ट कि उसकी लिपस्टिक 8-9 घंटे कंटिन्यू चले, आई वुड नॉट रिकमेंड दिस लिपस्टिक्स टू देम बिकॉज ये बहुत जल्दी फेड आउट होना स्टार्ट हो जाती है। रेंज निकाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक्स है, इफ़ बहुत ही बेसिक सा ब्राउन है, बहुत ही बेसिक सा
पिंक अंडरटोन है, बहुत ही जैसे मैंने ये शेड लगाया जैसे इनटू पिंक अंडरटोन न्यूड। सो जो इसमें कलर वेराइटी है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है एंड आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो होंगे उनके पास ऑलरेडी ये कलर्स अवेलेबल होंगे उनकी वैनिटी में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट शुगर पाउडर मैट लिपस्टिक्स। यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो आप नेक्स्ट क्या देखना चाहते हैं, कौन सा प्रोडक्ट चाहते हैं जिसको मैं रिव्यू करूँ। एंड दैट वॉज प्रीटी मच इट फ्रॉम माई साइड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डू देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय गाइज़।